नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योति बिष्ट और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। मैं फिर एक बार हाजिर हूं आपके अपने फेवरेट शो बॉलीवुड बस के साथ। तो आइए जानते हैं क्या क्या चल रहा है आखिर बॉलीवुड की इस दुनिया में। स्त्री 2 के बाद भूल भुलैया 3 के धमाके के लिए हो जाइए तैयार। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 का दबदबा देखने को मिल रहा है। वहीं 15 अगस्त को रिलीज हुई ये भूतिया और कॉमेडी के मिश्रण वाली फिल्म को देखने के लिए हर दिन थिएटर में लोगों की भीड़ आ रही है। वहीं इस फिल्म का क्रेज अभी लोगों के सिर से उतरा नहीं था कि एक और फिल्म यानी कि हॉरर कॉमेडी मूवी अपने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के लिए तैयार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉमेडी और हॉरर से भरपूर फिल्म भूल भुलैया के तीसरे पार्ट की, जो रिलीज होकर इस साल ऑडियंस को एक बार फिर से एंटरटेन करने के लिए तैयार है। वहीं कार्तिक आर्यन ने इस बीच फिल्म के टीजर पर अपडेट दिया है, जो फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा सकता है। उन्होंने बताया है कि पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा हो चुका है और फैंस को टीजर के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं बात करते हैं अब श्रद्धा कपूर की, जो बॉलीवुड की स्त्री यानी कि श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 की सफलता का स्वाद ले रही है। वहीं स्त्री 2 इंडियन सिनेमा की घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सबसे तेज 300 करोड़ रुपए कमाने वाली 5वीं फिल्म बन गई है। न सिर्फ स्त्री 2 बल्कि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस यानी कि श्रद्धा कपूर भी आए दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। दरअसल आपको बता दें कि श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया की दुनिया में धमाका कर दिया है। श्रद्धा कपूर इंस्टाग्राम पर भारत में सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली एक्ट्रेस बन गई है। वहीं श्रद्धा कपूर इस लिस्ट में बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी कि प्रियंका चोपड़ा को भी पीछे छोड़ चुकी है। श्रद्धा कपूर ने इसे क्रॉस करते हुए इंस्टाग्राम पर मोस्ट फॉलोड एक्ट्रेस के नंबर 1 का टैग अपने नाम कर दिया है। हाल ही में श्रद्धा कपूर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की लिस्ट से पीछे छोड़ दिया था। अब बात करते हैं हेमा कमेटी रिपोर्ट को लेकर। जी हाँ, बॉलीवुड में अभिनेत्रियों के साथ होने वाले यौन शोषण के खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया है। हेमा कमेटी रिपोर्ट्स के तहत पहले खुलासे के बाद और भी अभिनेत्रियों ने उनके साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना को सबके सामने रखा था। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैल गई। वह यौन शोषण के आरोप के बीच अब इस मामले में समंथा रूद प्रभु की एंट्री हो चुकी है। उन्होंने सरकार से इससे जुड़े मामले में एक अपील की है। आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके लिखा है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की हम महिलाएं हेमा कमेटी की रिपोर्ट्स का स्वागत करती है और केरल में WCC के प्रयासों की सराहना करती है, जिसने इस घटनाओं के खुलासे का रास्ता बनाया। वहीं हम तेलंगाना सरकार से यौन उत्पीड़न पर पेश की गई उप समिति की रिपोर्ट को पब्लिश करने की अपील करते हैं। वहीं अब बात करते हैं एक्टर वरुण धवन की। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन इस समय एक नया फेस एंजॉय कर रहे हैं। एक्ट्रेस हाल ही में एक बेटी के पिता बने हैं। एक्ट्रेस ने ये न्यूज इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। वैसे तो उन्होंने अभी तक उसका चेहरा रिवील नहीं किया है, लेकिन वो अक्सर इवेंट्स आदि में उसके बारे में बात जरूर करते दिखाई देते हैं। वहीं हाल ही में एक्ट्रेस अपनी भतीजी अंजनी धवन की ओपनिंग फिल्म बिन्नी एंड फैमिली के ट्रेलर लॉन्च इवेंट्स में मौजूद थे। इस दौरान एक्ट्रेस ने अपनी बेटी का एक बहुत ही फनी मोमेंट शेयर किया और बताया कि वो जब घर जाते हैं वो उन्हें डांट लगाती है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है कि मम्मी पापा ने अभी अभी डांटा है और फिर रूम में आते ही बच्ची भी डांट रही है और फिर बीवी भी, तो उस वक्त आप सोच सकते हैं कि पोजीशन क्या हो सकती है घर में। कंगना रनौत इमरजेंसी के सेंसर सर्टिफिकेट पर लगी रो। अब बात करते हैं कंगना रनौत की। कंगना रनौत अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चाओं में हैं। इस फिल्म में उन्हें भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रोल में देखा जाएगा। फिल्म का ट्रेलर आते ही चर्चा का विषय बन गया था। इसके बाद फिल्म पर विवाद भी शुरू हो गया। एक्ट्रेस इस फिल्म का प्रमोशन करने की कोई भी कमी नहीं छोड़ रही है। तो वहीं जैसे जैसे इमरजेंसी की रिलीजिंग डेट करीब आ रही है, फिल्म को लेकर विवाद और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वहीं अब कंगना रनौत ने एक नया वीडियो शेयर कर बताया कि CBFC ने उनकी फिल्म क्लियर होने के बावजूद उसे सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल की दिल्ली इकाई ने फिल्म का सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग की थी। आज के लिए बॉलीवुड बस में बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको फिर चटपटी खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।